वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे जो मारात्मक जिसको बीमारी सबसे डेंजरस बीमारी जिसको कि कैंसर कहा जाता है उसके बारे में। दोस्तों कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो कि हमारे शरीर में तो हर किसी के शरीर में रहता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। और जब ये दोस्तों पहचान में आता है, जब ये पता चलता है और जब हम बायोप्सी कराते हैं या जब डॉक्टर के पास जाते हैं और ये डायग्नोसिस होता है, उस समय दोस्तों अक्सर देखा गया है सेकंड से थर्ड स्टेज में ये आ जाता है। और दोस्तों ये देखा गया है इसमें जो सस्टेन इसमें जो सर्वाइव करने का जो चांसेस है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने के बाद भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि कैंसर में जो है वो मौत के करीब पहुंच जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे कि ऐसा हम टेस्टिमोनियल आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे आप देखने के बाद आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग जय माता जी। मैं भूपेंद्र सिंह चारण, गांव लिंबोटवाड़ी, राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट सागवाड़ा से हूँ मैं। मेरे मम्मी को 2 महीने पहले ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर 3 टाइप का होता है, उसमें से एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया था। स्टार्टिंग पता नहीं चला, हमने यहाँ दवाई करवाई, उसके बाद अहमदाबाद जायडस हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे एडमिट किया और वहाँ से पता चला कि ब्लड कैंसर है। वहाँ डॉक्टरों ने मना के दिया कि उनको कीमो देना पड़ेगा और खर्चा ज़्यादा होगा। फिर वहाँ से मैं सिविल हॉस्पिटल, मेरी जान पहचान थी, डॉक्टरों से वहाँ ले गया और वहाँ पे एडमिट किया, 8 दिन रखा, फिर बोला उनको कीमो देना पड़ेगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है उनका। फिर मैंने बहुत जनों की राय ली, सब जनों ने बनाया कीमो से बहुत शरीर के हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, शरीर ब्लैक पड़ जाता है, बॉडी पूरी और बाल चले जाते हैं। कीमो से क्या, कीमो एक टाइप का जहर है जो एक कोशिकाओं को मारने के लिए शरीर के अंदर 10 लाख कोशिका मरती है। बहुत जनों से राय ली, इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि उनको कीमो नहीं दिलवाना है, भले 1 साल 2 साल जिंदा रहे ऐसा ही रहे। फिर उनको मैं वहाँ से घर पे लाया। अहमदाबाद में मुझे एक पर्सन मिला जिसने मुझे एक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई दी जो कि रेनाटस नोवा करके है ये दवाई। उसने मुझे बताया कि 2 कैप्सूल गुनगुने पानी में डाल के उसको एक छोटी डिब्बी में डाल, गुनगुना पानी लेना, उसमें 2 कैप्सूल खोल के डाल देनी, उसको हिलाना है 100 बार, 100-150-200 बार, जितनी बार हिलाओ घुलनशील करके फिर उनको पिलाना है दिन में 1 बार। फिर घर पे ले आया मैंने, घर पे आने के बाद ये दवाई इसके साथ आयुर्वेदिक दवाई पतंजलि और हल्दी ये चालू किया। 8 दिन बाद मैंने रिपोर्ट करवाई जिससे मुझे जो हीमोग्लोबिन 4-5 रहता था वो बढ़ के 6-7 हुआ और प्लेटेट जो 12-13 रहते थे वो लगभग 1 लाख के आसपास करीब पहुँच गए। इसके बाद मैंने 15 दिन बाद फिर रिपोर्ट करवाई, महीने बाद रिपोर्ट करवाई, 1.5 महीने बाद करवाई, आज की तारीख में भी 8 दिन पहले की रिपोर्ट है। हीमोग्लोबिन 11.7, प्लेटेट 3,12,000, जो WBC 2,2200 रहते थे वो आज की तारीख में 7 से 8,000 है। RBC जो 1.2-1.1 थे वो 4 पॉइंट के आसपास है, 4 के आसपास है RBC। और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी आयुर्वेदिक की। डॉक्टरों का कहना यह होता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही नहीं कोई बीमारी के लिए, पर 100% आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हर बीमारी के लिए है। और ये दवाई मेरे वाइफ को थायराइड का प्रॉब्लम है, उनको देना चालू किया, जिनको भूख नहीं लग रही थी, शरीर में वीकनेस था, उनसे बहुत अच्छा फ़र्क है आज की तारीख में। और मम्मी को भी अच्छा फ़र्क है, मम्मी अभी जो मम्मी खाट में मेरी थी चल नहीं सकती थी, बॉडी बिल्कुल वीकनेस पड़ गई थी, जिनके उनके पैर बहुत कमज़ोर पतले हो गए थे, आज की तारीख में वो खुद खड़ी होकर खाना बनाती, घूमते फिरते हैं और बहुत अच्छा है। और मैंने आज फिर 2 दिन पहले ही दवाई वापस मैंने रीऑर्डर किया है, राय साहब से बात हुई और मैंने दवाई वापस मंगवाई है। और ये दवाई मेरे गांव में भी एक पर्सन दूसरा है जिसको भी सेम प्रॉब्लम है, उनको भी चालू करवाई मैंने और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। इसलिए सबसे किसी को भी कैंसर लोग कैंसर नाम सुनते घबरा जाते, मैं खुद घबरा गया था जायडस हॉस्पिटल में जैसे कैंसर बोला और मेरे हाथ पैर तले पैरों के तले जमीन खिसक गई, फिर डर गया था मैं बिल्कुल कैंसर सुनते ही। मैं भी डर, मेरे को लगा था कि कैंसर इसलिए बहुत बड़ी बीमारी है, पर उसका दवाई है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और जड़ से ख़त्म करती है, लॉन्ग टाइम लेनी पड़ती है उसको और टाइम टू टाइम लेनी पड़ती है उसको, अपन उसका रिजल्ट 100% है। और आप सभी से जो भी मेरा ये वीडियो देखें उनसे विनती है कि किसी को भी कैंसर है तो उनको सेक और कीमो कभी मत दिलाओ, भले वो 1 महीना जी लें पर वो
अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ जिएंगे, कीमो दिलवाने के बाद आप खुद उस पेशेंट के सामने नहीं देख पाओगे, ऐसी हालत हो जाएगी। जो पेशेंट एक महीना जी रहा हो वो 8 दिन ही जिएगा। थैंक यू रेनाटस नोवा कंपनी को, आपका बहुत मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।